कतर की हवा टाइट करने के लिए एक और देश ने भारत के साथ में हाथ मिला लिया है और ये देश भारत को अब न सिर्फ पेट्रोल डीजल गैस के अल्टरनेटिव फ्यूल्स बनाने की टेक्नोलॉजी देगा बल्कि गोल्ड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भारत को सीधे तौर पर ऑफर किए जा रहे हैं। और इस देश के साथ भारत के पिछले कुछ विवाद रहे हैं लेकिन ये देश अब भारत के साथ पुरानी सभी दिक्कतों को खत्म करने के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्राजील की, जिसके लिए आज भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जहां आज ये खबर सामने निकल गई है जहां पर ब्राजील ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत और ब्राजील के बीच में जो 2019 में विवाद हुआ था, जहां पर ब्राजील ने एलिगेशंस लगाए थे कि भारत बड़े स्केल पर सुगर से एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा सुगर पे भारत का काफी बड़ा कंट्रोल है और इससे फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। और इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी लेकिन अब इन सब चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, जहां पर ब्राजील ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वह भारत को फ्लेक्स फ्यूल एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली सभी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और इसमें भारत की अहम भूमिका है। जब भारत ने G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात कही, जिसमें बड़े बड़े अरब देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था और लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, और इसीलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन जाता है जिसमें सभी देश अपना योगदान देना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। जहाज ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना और एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री है और इतना बड़ा एथेनॉल प्रोडक्शन होने की वजह से ब्राजील ने गैसोलीन के अंदर करीब 25% एथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। वहीं यदि आप ध्यान से समझे तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी पेट्रोल के अंदर एथेनॉल के ब्लेंडिंग को लेकर के बातचीत की गई थी। अभी भारत के अंदर 11% ब्लेंडिंग की जा रही है पेट्रोल में एथेनॉल की, लेकिन इसे 2025 तक करीब 20% तक कर दिया जाएगा, यानी कि ये सीधे सीधे 20% की कटौती हमारी कच्चे तेल पर होने वाली है। तो ये तो रहे एथेनॉल के बेनिफिट्स की बात। वहीं ब्राजील का कहना है कि हम भारत को गन्ने के साथ साथ टूटे हुए चावल और कई ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल से एथेनॉल प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, जिससे भारत बड़े स्केल पर एथेनॉल को प्रोड्यूस कर पाए और अपनी तेल जरूरतों के आयात को कम करे। और यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत के अंदर टोयोटा की तरफ से इनोवा हाईक्रॉस लॉन्च की गई है, जो कि फ्लेक्स फ्यूल पावर व्हीकल है और इसके अंदर 82% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को डाला जा सकता है। यानी कि अगर इंडियन मार्केट के अंदर ऐसे व्हीकल दौड़ाए जाएंगे तो हम पेट्रोल गैस इंपोर्ट को काफी हद तक कम कर पाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राजील के लिए भारत पांचवा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच में अभी करीब 16 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया जाता है, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस में है और ब्राजील भारत को खासकर पेट्रोलियम, सोयाबीन ऑयल और गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इस साल आने वाले गोल्ड की कीमत करीब 1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इसी के साथ में नजर डाल लेते हैं कि अभी भारत की एथेनॉल इंडस्ट्री कहां पर है। साल 2021 और 22 में भारत की एथेनॉल सप्लाई करीब 4.1 बिलियन लीटर की थी और इस साल ये 5% बढ़ी है। जहां भी भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 1244 करोड़ लीटर की है। भारत में पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को ब्लेंड करके अब तक 55,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की सेविंग की जा चुकी है। वहीं और अभी ये ब्लेंडिंग सिर्फ 11.70% है। 2025 तक जब इसे 20% कर दिया जाएगा तो भारत लाखों टन होने वाले कार्बन इमिशन को रोक पाएगा और अभी हमारी जो जरूरत है वो करीब 1400 करोड़ लीटर है। इसी कारण भारत को इसे इम्पोर्ट भी कराना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि ब्राजील पुराने सभी मतभेदों को दूर करते हुए भारत के साथ में नए तरीके से पार्टनरशिप करके काम शुरू करेगा, जिससे दोनों देशों की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और गैस को लेकर के इसे कम किया जाएगा। आपके हिसाब से भारत सरकार को ब्राजील की ये टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।